अपमान, बेइज्जती क्या कभी हुई आपकी? कभी ना कभी तो हुई होगी, कभी ना कभी तो किसी ने कहा ही होगा, ए अलग हट यहां से, कौन है बे तू, औकात क्या है तेरी, हिम्मत कैसी हुई तेरी इस तरह से बात करने की, शक्ल देखी है कभी अपनी, बड़ा आया यहां पर बोलने। और जब इस तरह से बेइज्जती होती है तो उस वक्त आपका रिएक्शन क्या होता है? जब भी कोई आपको आपकी औकात याद दिलाता है उस वक्त आपके अंदर ही अंदर क्या चल रहा होता है? उस वक्त आप कैसे रिएक्ट करते हो? अंदर ही अंदर क्या थॉट्स आते हैं? गुस्सा भी आता होगा, बहुत बुरा भी लगता होगा, पर क्या हो अगर मैं कहूँ कि बेइज्जती होना भी ज़रूरी है, मजाक बनना भी ज़रूरी है? क्योंकि इतिहास गवाह है कि जो जो इंसान ज़मीन से उठकर आसमान की ऊंचाइयों पर पहुंचा है ना, हर किसी का कभी ना कभी तो मजाक ज़रूर बनाए, कभी ना कभी तो बेइज्जती ज़रूर हुई है और कई बार हुई है। बात है सन 1999 की, जब रतन टाटा ने अपनी पहली पैसेंजर कार टाटा इंडिका लॉन्च की थी और शुरुआती समय में ही ये पूरी तरह से फेल हो गई। टाटा ग्रुप के सभी मेंबर की ये सलाह थी कि इसे फोर्ड कंपनी को बेच दिया जाए, और इसके लिए टाटा ग्रुप की फोर्ड कंपनी से बात हुई और फोर्ड के जो ऑफिसर्स थे वो भी भारत आ आकर टाटा के कार डिपार्टमेंट में दिलचस्पी दिखा रहे थे। और उसके बाद रतन टाटा को अमेरिका बुलाया गया और फोर्ड के ऑफिसर के साथ में रतन टाटा की एक बैठक हुई और उन्हें वहां पर कहा गया कि जब आपको इसके बारे में पता ही नहीं है तो आपने पैसेंजर व्हीकल में कदम ही क्यों रखा। और यही नहीं बल्कि उनसे ये भी कहा गया कि हम टाटा मोटर के कार बिजनेस को खरीदकर आप पर एक एहसान कर रहे हैं, आप इसे हमारा एक एहसान समझना। और रतन टाटा अपने इस अपमान को घोट कर पी गए। इस घटना ने रतन टाटा को बहुत उदास किया। रतन टाटा ने बदले की भावना में समय गंवाने से ज्यादा जरूरी समझा अपनी कमियों को सुधारना। उन्होंने अपने कार सेगमेंट को बेचने का विचार बदल लिया और अपना पूरा फोकस अपने कार बिजनेस में लगा दिया। और कहते हैं समय पहिए के समान घूमता है, और इसी तरह से समय पहिए के समान घुमा और रतन टाटा की मेहनत ने टाटा मोटर्स को सफलता की ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया। एक तरफ टाटा ग्रुप की टाटा मोटर्स कामयाब हो रही थी तो वहीं 2008 में फोर्ड कंपनी दिवालियापन की स्थिति में आ गई थी। और ऐसे में रतन टाटा के पास में बहुत ही अच्छा मौका था फोर्ड को नीचा दिखाने का, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, बल्कि इसके विपरीत उन्होंने फोर्ड की ही मदद की। और साल 2008 में टाटा मोटर्स ने फोर्ड से जैगुआर और लैंड रोवर ब्रांड को $2.3 बिलियन में खरीद लिया। टाटा मोटर्स की फोर्ड के साथ ये डील उनके लिए जीवनदायिनी साबित हुई। और उस वक्त फोर्ड के जो करंट चेयरमैन थे उन्होंने रतन टाटा को धन्यवाद देते हुए कहा कि आप JLR को खरीद कर हम पर एक बहुत बड़ा एहसान कर रहे हैं। और यही होती है एक महान इंसान की पहचान, अच्छा तो हर कोई बन सकता है, महान बहुत कम बन पाते हैं। और ये तो कुछ भी नहीं, इससे भी बुरा अपमान हुआ था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का। निजी जात के थे तो लोग इनकी परछाई भी अपने ऊपर नहीं पड़ने देते थे। एक बार कुएं का पानी पी लिया, कुएं को टच कर दिया, एक छोटे से बच्चे को बहुत मार पड़ी सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने कुएं को छू लिया, उसका पानी पी लिया। स्कूल में उन्हें क्लासरूम के अंदर नहीं जाने दिया, कहा बाहर बैठकर पढ़ाई करो, कहा गया कि संस्कृत ब्राह्मणों के लिए होती है तुम्हारे लिए नहीं। इतना अपमान हुआ, बहुत दर्द होता है अंदर से। उन्होंने ठान लिया कि तुमने मुझे अपने गांव के स्कूल में नहीं पढ़ने दिया, मैं दुनिया की सबसे बेस्ट यूनिवर्सिटी में पढ़कर आऊंगा। और कोलंबिया यूनिवर्सिटी से उन्होंने MA किया और उसके बाद लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से MSc की और उसके बाद में लॉ की पढ़ाई की और फिर PhD की। और फिर जब वापस आए तो उन्हें मिलिट्री सेक्रेटरी की नौकरी मिली, जो उस वक्त बहुत ही अच्छी नौकरी थी। लेकिन उसके बावजूद भी उनका अपमान हुआ और वो अपमान उनके दिल पर लगा। उन्हें तब भी कुएं का पानी पीने का अधिकार नहीं था, वहां का चपरासी तक उन्हें फाइल फेंक कर देता था, कहता था कि गद्दी पर बैठ गया तो क्या हुआ, ये तो अभी भी निचली जात का ना। बस उन्होंने भी इसी अपमान को घूंट करके पी लिया और भारत का संविधान लिख दिया और अपना हक पा कर रहे। और अपना हक तो पाया ही, साथ साथ निचली जाति के लोगों को भी उनका अपना हक दिलाया। मैंने कहा ना अपमान जरूरी है, बेइज्जती से ही बदलाव आता है। अंग्रेजों ने एक बार गांधी जी को ट्रेन से धक्के मार कर बाहर निकाल दिया था, बहुत बेइज्जती हुई थी। उनसे कहा गया था कि तुम काले इंडियंस डिजर्व नहीं करते हमारी ट्रेन में बैठना, और उन्होंने भी ठान लिया कि तुमने मुझे ट्रेन से बाहर निकाला है, मैं तुम्हें अपने देश से बाहर निकाल दूंगा। वो एक चिंगारी इतनी बड़ी क्रांति में बदल जाएगी, किसी ने सपने में भी नहीं सोचा होगा। अमिताभ बच्चन को भी रेडियो जॉब से उनकी भारी आवाज और उनकी लंबी हाइट की वजह से निकाल दिया गया था, और वही ऊंची हाइट और उनकी वही भारी आवाज आज उनकी पहचान है। अपनी कमजोरी को अपनी ताकत बनाओ, अपने अपमान का बदला अपनी सफलता से लो। जब कोई अपमान करते हैं ना तो अंदर ही अंदर आग लगती है, गुस्सा आता है बहुत। लोग गलती ये करते हैं कि उस गुस्से को वहीं पर निकाल देते हैं, लड़ाई झगड़े करते हैं, कंप्लेन करते हैं। उस गुस्से का यूज करना सीखो, अंदर दबाए रखो उसको और अपने अंदर की आग को बढ़ाते रहो, तभी बदलाव आएगा। क्योंकि कोई भी इंसान अपना सम्मान भूल सकता है लेकिन अपमान नहीं भूल सकता। कोई कुछ भी बोले तो उस वक्त रिएक्ट मत करो, अपना गुस्सा अपनी आग बाहर मत निकालो, अपने अंदर रखो। बाहर निकाल दोगे तो बेइज्जती तो होगी सही, तुम कभी अपना बदला नहीं ले पाओगे और ना ही वो इज्जत हासिल कर पाओगे जो तुम पाना चाहते हो। अपने अंदर बार बार ये बात बोलते रहो कि कहा था ना तुमने कि शक्ल देखी अपनी, एक दिन ऐसा लाऊंगा कि तुम शक्ल देखने को तरसोगे। कहा था ना तुमने कि चल हट यहाँ से कोने पे तू, एक दिन ऐसा भी लाऊंगा कि कोई बैठा नहीं रहेगा जब मैं खड़ा रहूंगा। कहा था ना तुमने कि औकात क्या है तेरी, मेरी औकात मैं नहीं मेरा वक्त बताएगा। क्योंकि जब समय का पहिया घूमता है ना तो उसमें अच्छे अच्छे घूम जाते हैं। और बार बार अपने अंदर ये बात दोहराते रहे कि ठुकराया है जिन्होंने मुझे, मेरा समय देखकर, वादा है मेरा
एक दिन ऐसा भी समय लाऊंगा कि मिलना पड़ेगा उन लोगों को मुझसे मेरा समय लेकर। और मैंने इस वीडियो में जो आपको एग्जांपल बताए हैं, रतन टाटा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, महात्मा गांधी, अमिताभ बच्चन और ना जाने से कितने लोग हैं जो हमें बताते हैं कि जिंदगी वो नहीं है जो हमें मिलती है, बल्कि जिंदगी तो वो है जो हम बनाते हैं। और किस तरह बेइज्जती का जवाब दिया जाता है बिना कुछ बोले। दीपक गैया चैनल पर हम ऐसे पावरफुल मोटिवेशनल वीडियोस लाते रहेंगे। आप लाइक और शेयर करके हमारा हौसला बढ़ाएं और नए वीडियोस को मिस ना करने के लिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।